तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, मेरी भी नहीं हुई ना, उसकी कॉल आई। सर, हाँ लाओ दो, थैंक यू। अब बस अब आप जाएं। क्यों नहीं समझते हैं जावियर, एक तरफ तुम लोगों का बिजनेस है, दूसरी तरफ मोहल्ले वाले हैं। आखिर अयास को समझ क्यों नहीं आता कि हमने सबके सामने शादी की है, हर किसी की नजरें हम पे हैं। नहीं, गालिबन अयास ही ठीक है, और हम लोग भी इस सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते। तुम्हें अपने पार्टनर को बता देना चाहिए। मगर तुमने मुझसे वादा किया था सीनिया। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं तुम दोनों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, ये शादी कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब फिलहाल हम अभी ये कर सकते हैं, है ना जीनिया, क्या कहोगी तुम? हाँ, हेल्प तो मैं भी उसकी करना चाहती हूँ, लेकिन यार मैं अयास का क्या करूँ, और वैसे भी एक हफ्ते की ही तो बात है। हमारी शादी फिर डिवोर्स का कुछ करना चाहिए ना, यानी हम दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ जैसा था वो वैसे ही हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। हाँ ठीक है सीनिया, तुम इस तरह मुझे छोड़कर जा रही हो, समझ सकता हूँ मैं। जावियर प्लीज ऐसे तो ना कहो। मैं अब और क्या कहूँ सीनिया, कुछ नहीं कह सकता। I'm so sorry, लेकिन मुझे अयास की फिक्र है, मुझे उससे बात करनी है, उसे छोड़कर आ गई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। I think मुझे उससे डिस्कस करना चाहिए, क्या पता उसके पास कोई अच्छा सोल्यूशन हो। जावियर यही काम नहीं था, बल्कि ये मफलर भी पूरा हो गया है, ये भी उसे पहुंचा दूंगी। मुझे फौरन उसके पास पहुंचना। रुको सीनिया, ये मत भूलो कि हम दोनों मतलब कानूनी तौर पर लीगल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, समझ गई ना? एक बार तुम अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। Excuse me. Hello. अयास आने वाला था ना वहां, तो क्या वो बीमार है? Okay, मैं आ रहा हूँ। अयास बीमार हो गया है, मुझे पहले से अंदाजा होना चाहिए था। ज़ीनिया, ज़ी तुम्हारा बिजनेस पार्टनर तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और सबको बता रहा है कि तुम कंगाल हो गए हो। अगर आएगी तो हाल पूछ लीजिए। फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम? सिग्नल्स का इशू होगा शायद। कहीं तुम ज़ीनिया के साथ तो नहीं थे? क्या हो गया अम्मी? ज़ीनिया तुम्हारी भाभी है, शायद तुम्हें याद नहीं। कागजात की हद तक आप जानती तो हैं। हर किसी को साफ नजर आता कि वो सिर्फ नाम की बीवी है, समझ गए? मानती हूँ, लेकिन लोग ये नहीं जानते। जब तक वो मेरे साथ है मैं ऐसा हरगिज कुछ भी नहीं करने वाला, और ये अंगूठी जब तक उसको पहना नहीं लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, समझ गया मेरी बात? अगर आपको इतना ही ख्याल है तो इस मामले से आप दूर रहिए। और अगर तुम इतने ही समझदार हो ना तो ये बेवकूफियां मत करो। जब से उस लड़की से मिलकर आए हो तुम तो बिल्कुल बदल ही गए हो अयास। बिल्कुल ठीक कह रही, काफी बेहतर हो गया हूँ मैं पहले से, मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझ आने लगी हैं और इंतहाई खुश हूँ मैं। ये बात मैंने कबूल कर ली है कि वो ही अब मेरी दुनिया है।
तुम अपनी माँ को अभी जानते नहीं, देखना मैं क्या करती हूँ। एक तो मम्मी को भी सुकून नहीं है। चलो ये कैसी हालत में दरवाजा खोलने आए, पागल हो क्या? वो मैं असल में चेंज कर रहा था तो। चलो चलो अंदर चलो, फौरन चलो। इधर आओ। यार इधर आओ। तुम्हें तो बुखार है। हाँ हो भी सकता है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। यार ये कितने आराम से कह रहे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? चलो उठो, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठ सकते, जाओ चेंज करके आओ। शाबाश, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तुम्हें याद है मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, आज खुद बीमार पड़ गए यार। अच्छा चलो जल्दी करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बस छोड़ दो, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा खुद बताओ तुम्हें बुखार नहीं है क्या? अगर तुम मजाक करने के मूड में आई हो यहाँ तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाऊँ? तुम अपने होश में नहीं हो क्या? रुको मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय का सामान नहीं है किचन में, मेरे पास है, तुम फिक्र मत करो। हेलो, एक जबरदस्त खबर सुनाऊं। आर्किटेक्ट जावियर की बीवी ज़ीनिया, उस लड़की का फेयर किसी और के साथ चल रहा है। अगर सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूं, ठीक है? वहां जाओ और जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो। ये क्या बना है? बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा है कि ये पी के तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो चलो शाबाश। ये बहुत गर्म है, ठंडा नहीं है। हाँ तो ठंडी पीने का कोई फायदा भी नहीं होता। पियो पियो गर्म है। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी। मेरी तबीयत का सुन के भागी भागी मेरे पास चली गई। हाँ तो और क्या करती, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं तो सिर्फ सिर्फ दोस्ती का हक अदा कर रही हूँ, यानी जाहिर है तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, तो मैंने सोचा कि अगर नहीं गई तो बुरी बात है ना, इसीलिए यहाँ आ गई मैं। हाँ ये तो दुरुस्त कह रही हो, तुम्हारी वजह से बीमार हुआ हूँ मैं। इश्क का बुखार है ये। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इसमें और डाल दूं क्या? अरे बस करो, बहुत हो गया यार, मुझे तो बिल्कुल जहर लग रही है ये, जहर। यार अगर नहीं पीनी तो मना कर दो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, फिर यही खत्म करो। अच्छा चलो तुम्हारा बुखार देखते हैं। हाँ उठो उठो, बिस्तर पर जाके लेटो। चलो। अरे क्या हो गया, बैठ जाओ आराम से। तुम्हें कितना तेज बुखार है देखो तो सही। हेलो, जी जी बोलिए। जावियर मेहरबानी होगी कुछ करे, हमारी नाक कटने वाली है। मेरी दोस्त का फोन आया था मेरे पास, वो सहाफी है और उसने बताया ये खबर फैल चुकी है। क्या ये सब आखिर उन्हें कैसे पता चल सकता है? मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या पता, उनके पास घर का एड्रेस भी है। मैंने उन्हें कॉल भी की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी रास्ते में ही हूँ, जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है। बस कर दो ना,
हालत तो देखो यार, अपनी बुखार में तप रहे हो। चुप रहो, अब बोलना नहीं कुछ। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो ये सब उतारो जल्दी। चलो जल्दी। क्या? उतारो ये सब। शादी से पहले कुछ नहीं हो सकता, और मैं वैसे भी बीमार हूं, तो इसलिए। अयाज नहाने जाओ बस। तुम्हें याद है ना, बचपन में जब बुखार होता था तो अम्मी भी यही करती थी। उठो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा, उठो। ओफ, ठीक है, छोड़ तो दो पहले मुझे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो जाहिर है खुद ही जाओगे, मैं बाहर खड़ी रहूंगी। चलो उठो। एक मिनट। चलो जल्दी चलाओ, कहीं हम मिस ना कर दें। सुनो क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं मुझे, बस चक्कर से आने शुरू हो गए। अच्छा तो हाथ ऊपर करो। हाँ? ऊपर करो। ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम्हें? फजूल की बातें मत करो मेरे साथ प्लीज। जाओ ना जल्दी, नहाओ जाके, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे हम। तुमने जो पिलाया ना, उससे कुछ हो रहा है। हाँ, जहर मिलाया था मैंने उसमें, शायद ज्यादा हो गया होगा। ठंडा नहीं करो, छोड़ छोड़। ऐसे ही उतरेगा बुखार, थोड़ा बर्दाश्त करो बस। इस तरफ गाड़ी में, इस तरफ से। ठीक हो तुम? पानी ठंडा है बहुत, तबीयत और खराब हो गई, कहीं मरने वाला तो नहीं हूं मैं। क्या मजा आता है ऐसी फजूल बातें करके तुम्हें, बस चुपचाप खड़े रहो। ठंड लग जाएगी तुम्हें। मेरी फिक्र मत करो, तुम खुद को देखो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें कोई शक है क्या? शक तो बिल्कुल नहीं, वैसे तुमसे लड़ना भी अच्छा लगता है मुझे।
ज़ीनिया, क्या हुआ? और ये मतलब तुम गीली कैसे हो गई? दरअसल अयाज की तबीयत ठीक नहीं थी। आओ पीछे की तरफ से चलते हैं। बस बस रुक जाओ, सही से फ्रेम बनाओ और तीनों को फोकस करना। ये क्या तरीका है? कैमरा नीचे करें आप लोग। दूर हटो, आगे मत आना। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या जरूरत थी तुम्हें उनके सामने सब करने की? यार मैंने वही किया जो मुझे सबके लिए बेहतर लगा, और वो अब सफाई दोगे मुझे? फायदा किसका हुआ उसमें? क्या सीने का फायदा हुआ? मेरा हुआ या तुम्हारा हुआ? यार रिलैक्स हो जाओ, ऐसा गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। यार तुम्हें जरा भी अंदाजा है वो किस तरह खबर फैलाते हैं? बाकी लोगों को तो भूल जाओ। मतलब क्या तुम्हें अपने बाबा की जरा सी भी परवाह नहीं है? हाँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगे उन्हें? वो लोग तो यही समझेंगे ना कि इसने अपने शौहर को धोखा दिया है। फजूल बात नहीं करो मुझसे। क्या मतलब शौहर? बिना वजह कोशिश नहीं करो बात को बढ़ाने की, समझ आ रही है तुम्हें? तुम शौहर नहीं हो इसके, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की शादी थी। मजीद मुझे परेशान नहीं करो, ये सिर्फ एक साजिश थी, ठीक है ना? और कुछ भी नहीं है। यार तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो अयाज, मुझे लग रहा है तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। देखो यार, तुम मुझे मजबूर मत करो, वरना 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 क्या कर सकते हो? हा? मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। बस इतना समझ लो कि कुछ देर और रुक जाते बस, तो तुम मेरे सामने मजीद बकवास करने की कोशिश भी मत करना। निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। यार बस कर दो, सुकून से भी बात हो सकती है। और अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो मैं पहले पॉपकॉर्न ले आती हूँ, उसके बाद सुकून से तुम दोनों को बैठ के देखूंगी, फिर जितना दिल चाहे लड़ते रहना। तो मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो ज़ीनिया? हाँ, उससे तो तुम कुछ नहीं कह रही। ये तक नहीं पूछा कि इस हरकत की हिम्मत कैसे हुई? ये जो कुछ हुआ तुम्हें गलत नहीं लग रहा? हाँ ठीक है, अब तुम भी कह लो इसमें सारी गलती मेरी ही है। बोलो तुम भी। अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना? देखो यार, तुम तो फजूल बातें करना बंद कर दो। फजूल बातें मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? ठीक है, तुम दोनों लड़ते रहो, अब मैं अब तुम दोनों के मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। इधर आओ, बुखार दिखाओ। क्या? अरे हटो पीछे। अच्छा है बुखार भी उतर गया। जब तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना। मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। बिल्कुल नजर आ रहा है। मेरा ख्याल रखने का एहसान मानना भी चाहिए। हम तो गए, अब क्या करेंगे? शक्ल से तो मजेदार लग रही है। शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं मैडम, क्या इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको? नहीं और कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। मैडम मैडम आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप मैडम? जगह दो जगह दो जगह दो। अरे भाई बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ, क्या बताऊँ कि कितनी बड़ी खबर है। जाओ अपना काम करो। अब क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? जल्दी में क्यों हो? मैडम आप कुछ मत पूछिए,
बस मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाना चाहता हूँ। बस बस रुक जाओ, सही से फ्रेम बनाओ और तीनों को फोकस करना। हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं, खबर ही कुछ ऐसी है। ज़ावियर, वैसे ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? क्या हुआ तुम्हें? अब इस बात का भी क्या गम मनाओगी? उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है, भूलना मत ये बात। भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, जो हो गया वो हो गया। उस घटिया आदमी के लिए रोने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अपनी जिंदगी जियो मजे से, क्योंकि ये एक बार ही मिलती है। ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या करें अब? एक ही रास्ता है मेरे पास, मतलब हाथ में हाथ डालकर निकलते हैं। नहीं होगा ये, मुझे कोई खुफिया रास्ता निकालना पड़ा तो वो भी निकालूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हर किसी नहीं भेजूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड है ये। कौन सी गर्लफ्रेंड? हाँ कौन सी गर्लफ्रेंड, और कब किया हमने प्यार का इजहार? मुझे तो याद नहीं है। पता नहीं तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो यहाँ बैठ के। देखो ज़िनिया, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। रुको जरा एक मिनट, ठीक कहा है, कुछ दिन पहले तुम भी इसे दोस्त कहते थे, लेकिन अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बता चुका हूँ, फिर से शुरू क्यों कर रहे हो उसे? क्या है मुझे बताओ, फिर क्या है? देखो मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैं तुम दोनों का सर भर दूंगी। सुन लिया, बाहर दर्जनों के हिसाब से लोग तमाशा बनाने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे तुम दोनों की खबर वहाँ पहुँचाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। कि तुम दोनों तो कत्ल हो गए, उसके बाद पूरा शहर रोएगा फिर, और पता है कुछ ही दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे। चुप कर जाओ यार। ओफ, अच्छा ठीक है, मुझ पे मत चीखो। अच्छा ठीक है, सब लोग अपना गुस्सा पहले ठंडा करें, फिर सोचते हैं कि बाहर कैसे निकलें। मेरे पास एक आइडिया है, वैसे हम दोनों साथ चलते हैं, तुम मेरे गले लगो बाहर चल के, हर किसी की एक अच्छी सी न्यूज हाथ लग जाएगी। हाँ, आ गई कॉल। हेलो, कैसे हैं सर? क्या सच में? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ बस इसी के फोन की कमी रह गई थी। खैर देखते हैं इसे क्या काम है। जी शीमा साहिबा। शीमा नहीं, शायमा नाम है मेरा। तुम मेरी असिस्टेंट हो, भूल गई हो क्या? और ये बताओ कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? ना ही तुमने बताने की जहमत की तुम्हारी सैलरी काटूंगी मैं। पहले एक दफा यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद देखूंगी ना सब। क्या मतलब है, कहाँ से निकलोगी? रहने दे, कुछ नहीं कहा मैंने, बस आपसे ही बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। शायमा साहिबा, आधे घंटे में पहुंचो, इंतजार कर रही हूँ। मुझे ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं, बताओ मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? मैं यही सोच रहा हूँ। उससे पहले तुम मुझे अपना बुखार दिखाओ यार। अरे अभी तो चेक किया तुमने, क्या भूल गई हो क्या? तो दोबारा नहीं देख सकती हूँ क्या? अरे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ओ भाई ठीक है, मर्जी। यार एक मसला है, मुझे कंपनी के लिए फौरन निकलना होगा, और सर भी बहुत गुस्से में हैं। इससे पहले वो लोग अंदर आ जाए हम छुप के निकल जाते हैं यहाँ से, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाथ पकड़ के नहीं जाने दूंगा मैं। तुम क्या कर रहे हो? रुको अभी बताता हूँ। कैसा इश्क